नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सुषुम्ना संहिता का सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम है वेद उत्पत्ति अध्याय। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो चरक संहिता का सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है दीर्घ जीवित्य अध्याय, एंड अष्टांग संग्रह एंड अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 1 का नाम है आयुष्कामीय अध्याय। तो ये तीनों चैप्टर दीर्घ जीवित्य चरक का एंड आयुष्कामीय वाग्भट जी का एंड वेद उत्पत्ति सुषु जी का, ये तीनों आपने नाम याद रखने हैं। इसके साथ साथ आपको याद रखने वाला जो पॉइंट है वो ये है कि जो सुषुम्ना संहिता है इनके सूत्र स्थान में 46 अध्याय हैं, ठीक है। अष्टांग संग्रह में 40 अध्याय हैं, अष्टांग हृदय में 30 अध्याय हैं और चरक जी के सूत्र स्थान में 30 अध्याय हैं, ठीक है। और इसके बाद स्टार्ट करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल दिखा देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखने वाला है वो ये है कि आयुर्वेद तत्व संदीपिका, ये हिंदी टीका का नाम है जो कि सुषुम्ना संहिता के ऊपर की गई है, ठीक है। जो हम ये पढ़ रहे हैं, दिस इज़ आयुर्वेद तत्व संदीपिका रिटन बाय अंबिका दत्त शास्त्री, ठीक है। और नेक्स्ट अगर आप देखेंगे श्लोक है, अथातो वेद उत्पत्ति अध्यायम व्याख्या स्यायम यथोवाच भगवान धन्वंतरी। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि ये जो श्लोक है इसमें 8 पद हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट शब्द है अथातो, इसका मतलब होता है मंगल सूचक, मतलब कि किसी भी श्लोक की जो स्टार्टिंग होती है वो अथातो से की गई होती है ताकि वो शुभ हो, मंगलिक हो, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट है कि यही एग्जाम्पल देते हुए अगर आप विमर्श में देखेंगे कि अथातो दीर्घ जीवित्य अध्यायम व्याख्या से हम, ये जो श्लोक है ये आपको चरक सूत्र चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा। उन्होंने भी कहने का मतलब है कि अथातो से ही अपने फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग की है। अथातो मंगल सूचक है, ठीक है, और शुभ है, इसलिए अथातो वर्ड यूज़ किया जाता है। ये भी अष्टपद है, अथातो दीर्घ जीवित्यम व्याख्या से हम। और उसी तरह से नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, अथ शब्द अनुशासनम, ये व्याकरण महाभाष्य का जो श्लोक है स्टार्टिंग का वो यही दिया गया है, अथ, मतलब अथ से स्टार्टिंग की गई है। एंड ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ श्लोक रख के पूछ लेते हैं कि ये कहाँ पर इसका रेफरेंस है। अथातो धर्म व्याख्या स्याम, व से व्याख्या, व से वैशेषिक दर्शन, जो कि कनाड जी ने लिखा है। तो अथातो धर्म व्याख्या स्याम ये वैशेषिक दर्शन में मिलता है। इसी तरह से अथातो धर्म जिज्ञासा, ये मीमांसा दर्शन में मिलता है, जो कि जैमिनी जी ने लिखा है। नेक्स्ट इसमें आपका पढ़ने वाला पॉइंट ये है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मैं ये जो एपिसोड है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा रही हूँ आपको, जो एग्ज़ाम में आना चाहिए या आने के बहुत सारे चांसेस हैं, आपको लगभग वही सारा पढ़ाया जाता है। तो संसार में सबसे जो प्रथम और प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद को माना गया है। एंड क्योंकि हम सुषुम्ना संहिता पढ़ रहे हैं तो भगवान धन्वंतरी का नाम तो आएगा। देखिए, धन्वंतरी में जो धनु शब्द होता है उसका नाम उसका मतलब होता है शल्ले। तो जो आद्यांत सम्यक ज्ञाता होता है शल्ले शास्त्र का, वो भगवान धन्वंतरी कहलाते हैं। अब जो धन्वंतरी हैं वो दो तरह के हैं, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। जो भगवान धन्वंतरी है उनका टाइम पीरियड है 2350 BC, और दूसरे हैं उपदेष्टा, ठीक है। उपदेष्टा मतलब कि काशीराज दिवोदास धन्वंतरी, जो कि हमें ये सुषुम्ना संहिता का उपदेश दे रहे हैं, जिनकी ये कही हुई सुषुम्ना संहिता हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। उनका टाइम पीरियड है 1000 से 1500 BC, और उन्होंने उपदेश दिया वृद्ध सुषुम्ना जी को, जिनको हम तंत्रकर्ता कहते हैं, ठीक है। वृद्ध सुषुम्ना जी का तो टाइम पीरियड कितना हुआ, सेम हुआ, गुरु शिष्य का सेम टाइम पीरियड होता है 1000 से 1500 BC, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं जो जिन्होंने सुषुम्ना संहिता लिखी है, मतलब कि प्रथम प्रति संस्कर्ता सुषुत, मतलब वृद्ध सुषुत के बाद आ जाते हैं सुषुम्ना जी, जिनका टाइम पीरियड है 2nd AD, ठीक है। यहाँ से AD स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद सुषुम्ना जी के बाद आ जाते हैं नागार्जुन 5th AD, एंड देन चंद्रक जी 10th AD। अब इनमें फ़र्क क्या है, देखिए सुषुम्ना संहिता में टोटल 5 स्थान होते हैं और 120 अध्याय होते हैं, जो कि प्रथम प्रति संस्कर्ता सुषुम्ना जी ने लिखे हैं, एंड इनका टाइम पीरियड है 2nd AD। इसके बाद जो 66 चैप्टर उत्तर तंत्र के हैं, वो उत्तर तंत्र जोड़ा है सुषुम्ना संहिता के साथ नागार्जुन जी ने,
ठीक है, जिनका टाइम पीरियड है 5th AD, और उसके बाद चंद्र जी जिनको पाठ शुद्धि कर बोलते हैं, मतलब कि जिन्होंने ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं उनको ठीक किया, तो उनका टाइम पीरियड होता है 10th AD। आई होप आपको समझ आ गया होगा। धन्वंतरी जी जो काशीराज दिवोदास धन्वंतरी हैं वो हैं 1000 से 1500 BC, और सेम ही टाइम पीरियड आ जाता है तंत्रकर्ता वृद्ध सुषु जी का 1000 से 1500 BC, एंड देन आ जाता है प्रति संस्कर्ता सुषु जी जिन्होंने सुषु संहिता जो है वो की लिखी है, तो उनका टाइम पीरियड आ जाता है 2nd AD, एंड देन नागार्जुन जी 5th AD, एंड उसके बाद चंद्र जी आ जाते हैं 10th AD। अब इसके साथ साथ हम चरक जी का भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। चरक जी में जो आद्य उपदेष्टा है वो है आत्रे पुनर्वसु, जो कि गुरु हैं जिन्होंने उपदेश दिए तंत्रकर्ता अग्निवेश जी को, तो उनका और तंत्रकर्ता अग्निवेश जी का टाइम पीरियड 1000 BC सेम है, ठीक है। उसके बाद जो प्रथम प्रति संस्कर्ता है वो है चरक जी, तो चरक जी का टाइम पीरियड है 2nd BC, ठीक है, यहाँ तक BC चल रहा है। और उसके बाद दृढ़ बल जी जो जिनको संपूरक कहते हैं, ठीक है, उनका टाइम पीरियड है 4th AD। आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैं एक बार आपको रिटर्न में भी बता देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है कि गुरु शिष्य की बातें। देखिए इसमें ये बताया गया है कि जो गुरु है वो है काशीराज देवोदास धन्वंतरी। इनके अगर आप श्लोक में देखें तो प्रभृत्य आता है, मतलब कि इनका इनके 7+ शिष्य होते थे, जो मोस्ट इंटेलिजेंट है वो 7 शिष्य बताए हैं, उसके अलावा और भी शिष्य हैं वो बताए हुए हैं। जो 7 शिष्य हैं वो कौन से हैं, आप इस तरह से याद करिए, AAP, आप, मतलब कि औपधेनव औरभ्र पौष्कलावत, औपधेनव औरभ्र पौष्कलावत, एंड देन गोपुरक्षित करवीरिय सुश्रुत वैतरण, आप मतलब कि औपधेनव औरभ्र पौष्कलावत, एंड देन गोपुरक्षित करवीरिय और फिर वैतरण सुषु जी, ये 7 मोस्ट इंटेलिजेंट जो शिष्य होते थे ये बताए हैं। और इसके अलावा जो है भोज निमि कांकायन गार्गल्य गालव, भोज निमि कांकायन गार्गल्य गालव, ठीक है, ये सारे शिष्य बताए हैं। अब इसमें जो भोज हैं उनको जो है शल्ले का ज्ञाता माना जाता है, उनका जो ध्यान था फोकस था शल्ले की तरफ था, बाकी सबको शालाक्य में गिना जाता है, निमि को कांकायन को गार्गल्य को गालव को, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ बताई है आचार्य चरक ने भी, जो है सूत्र 1 में ये बताया था कि आयुर्वेद जो है उभय लोक हितकारी है, मतलब कि इस लोक में भी और परलोक में भी ये हमें पुण्य ही देता है, ठीक है, हितकर होता है। और इसमें भी ये चीज़ बताई है, अगर आप देखेंगे श्लोक नंबर 3 पर, कि सांसारिक और पारलौकिक कल्याणकारक है आयुर्वेद, ठीक है, सांसारिक एंड पारलौकिक कल्याणकारक। एंड नेक्स्ट आ जाता है हमारा आयुर्वेद के जो 8 अंग हैं, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इसका थोड़ा सा आपको श्लोक देखने की ज़रूरत है, तो चलिए देखते हैं। इहि खलु आयुर्वेद अष्टम अंग उपांग अथर्वेद अस्य अनुत्पादय प्रजा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेद अथर्वेद का उपांग है और इसके 8 अंग हैं, एंड इस संसार की रचना करने से पहले ब्रह्म जी ने, ठीक है, ब्रह्मा जी ने एक ब्रह्म संहिता जो है वो लिखी थी, जिसमें 1,00,000 श्लोक थे एंड 1,000 अध्याय थे। अगला थोड़ा सा श्लोक देखिए, श्लोक शत सहस्त्रम अध्याय सहस्त्रम, ठीक है। तो ये जो इसमें यही बात कही गई है कि आयुर्वेद अथर्वेद का उपांग है, इसके 8 अंग हैं, एंड ब्रह्म संहिता में 1,00,000 श्लोक हैं और 1,000 अध्याय हैं। स्वयंभू, देखिए श्लोक में लिखा है स्वयंभू भी ब्रह्मा जी के लिए शब्द यूज़ किया गया है, क्योंकि क्वेश्चन भी आया हुआ है कि स्वयंभू किसको कहा है, तो स्वयंभू ब्रह्मा जी को कहा है। एंड ब्रह्मा जी ने फिर आयुर्वेद को 8 भागों में विभक्त कर दिया, बट अष्टांग संग्रह में वाग्भट जी कहते हैं कि अग्निवेश आदि ने आयुर्वेद को 8 भागों में विभक्त किया है, ब्रह्मा जी ने नहीं किया, ठीक है, ये फ़र्क है। अब आयुर्वेद जो है अथर्ववेद का उपांग है ऐसा चरक जी मानते हैं, सुषु जी मानते हैं, हस्ते आयुर्वेद में मानते हैं, ठीक है, लेकिन व्यासकृत चरणव्यूह एंड शंकरोक्त ये मानते हैं कि आयुर्वेद ऋग्वेद का उपांग है। एंड इसके अलावा काश्यप जी एंड ब्रह्मवर्त पुराण,
ब्रह्मवर्त पुराण जिसमें भास्कर संप्रदाय आता है, ये तो आयुर्वेद को एक पंचम वेद मतलब कि एक अलग वेद मानते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग जो है आचार्यों ने माना है कि आयुर्वेद किस वेद का उपांग है। अगर हम चारों वेद देखें तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद जो है धनुर्वेद बोलते हैं ऋग्वेद को, सॉरी ऋग्वेद जो है इसका उपांग धनुर्वेद है, यजुर्वेद का उपांग है स्थापत्य वेद, सामवेद का उपांग है गांधर्व वेद एंड अथर्ववेद का उपांग है आयुर्वेद। ऋग्वेद धनुर्वेद यजुर्वेद स्थापत्य वेद सामवेद गांधर्व वेद एंड अथर्ववेद आयुर्वेद, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए आयुर्वेद का जो आठ अंग हैं जो आचार्य सुश्रुत ने गए हैं, कहें तो सबने आठ अंग हैं सेम बोले हैं लेकिन सीक्वेंस जो है वो अलग है। सुश्रुत जी में ऑब्वियसली सबसे पहले शल्य आएगी, ठीक है, क्योंकि उनका शल्य जो है श्रेष्ठ है प्रधान है, एंड बाकी आचार्य चरक ने पहले काय चिकित्सा का वर्णन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक पॉइंट है कि आयुर्वेद का जो अष्टांग है इसका वर्णन जो है विभाजन का वर्णन चरक जी ने सूत्र 30 में दिया है, सुश्रुत जी ने इसी चैप्टर में मतलब सूत्र 1 में दिया है, एंड अष्टांग हृदय में सूत्र 1 में इसका वर्णन है। अब इसके बाद अष्टांग आयुर्वेद की जो परिभाषा है और इसकी क्या सीक्वेंस है आचार्य सुश्रुत संहिता में जो दी गई है वो पढ़ेंगे। शल्य शलाके, क्योंकि ऑब्वियसली शल्य प्रधान है तो शल्य शलाके काय भूत कुमार अगध, आपको इस तरह से याद रखना है शल्य शलाके काय भूत कुमार अगध, एंड लास्ट में रसायन एंड वाजीकरण तो सभी की सीक्वेंस में आता ही है, ठीक है। स्टार्टिंग की सीक्वेंस सबकी अलग अलग है लेकिन लास्ट का रसायन वाजीकरण सबने दिया है, लास्ट में दिया है मतलब। और अब इंडिविजुअली शल्य की परिभाषा क्या है, शलाके की परिभाषा क्या है, इस तरह से जो अष्टांग की परिभाषा है ये केवल सुश्रुत जी ने ही मेंशन की है और किसी ने नहीं की, ठीक है। और ये जो विभाजन है ये आचार्य सुश्रुत जी का इसी चैप्टर में मतलब सूत्र 1 में मिलता है, चरक जी का सूत्र 30 में मिलता है, एंड अष्टांग हृदय का सूत्र 1 में मिलता है, ठीक है। एंड जैसे कि शल्य की परिभाषा दी गई है, शल्य नाम विविध तृण काष्ट पाषाण पांशु लोह ओष्ठ, तो इस तरह से एक पार्ट रखकर पूछ लेते हैं या फिर इस श्लोक का यंत्र शस्त्र शार अग्नि प्राणिधान ये रखकर पूछेंगे कि ये किस कंसर्न में कहा गया है, ये किसकी परिभाषा है, शल्य की है शलाक्य की है। उसी तरह से शलाक्य नाम ऊर्ध्व जत्रु नाम जत्रुगता नाम, ठीक है। तो शलाक्य का तो आप गेस कर ही लेंगे कि ऊर्ध्व जत्रुगत के जो रोग होते हैं, ठीक है, नाम ऊर्ध्व जत्रुगता नाम रोगा नाम श्रवण नयन वदन घ्राण आदि संचिता नाम, तो ये तो आप गेस कर लेंगे लेकिन कई जो श्लोक होते हैं वो गेस नहीं हो पाते हैं, जैसे कि यंत्र शस्त्र शार अग्नि प्राणिधान, तो ये शल्य की परिभाषा में आएगा। उसी तरह से अगर आप देखेंगे कि भूत विद्या, ठीक है, भूत विद्या में एक श्लोक का एक पार्ट आता है शांति कर्म बल बलि हरण अग्नि ग्रहण, तो ये भूत विद्या के रिलेटेड है। और अगर ये श्लोक आ जाता है कि कुमार भरण धात्री शीर दोष संशोधनार्थ, या ये रखकर पूछ लेते हैं कि दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्था नाच, तो आप कहेंगे कि कुमार भृत्य की परिभाषा है। तो जस्ट आपको ये श्लोक देखकर थोड़ा सा मेमोराइज़ करना है कि ये श्लोक कौन सी परिभाषा के रिगार्डिंग, कौन से आयुर्वेद के अंग के रिगार्डिंग कही गई है। एंड कुमारा नाम अगर आप विमर्श में देखेंगे, कुमारा नाम भृति भृतिर्धारणाम पोषणम चयेति कुमार भृति, ये अष्टांग हृदय में कुमार भृत्य की परिभाषा कही गई है। और अगर ये रखकर पूछ लेते हैं सर्प कीट लूता मूशी आदि, तो ये है अगत तंत्र की। और एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि जो अगत तंत्र है आचार्य सुश्रुत ने इसको अगत तंत्र कहा है, अष्टांग हृदय और संग्रह में इसको दृष्टा चिकित्सा कहा गया है, जबकि आचार्य चरक ने इसको विश्वरोधिक प्रशमनम कहा गया है, ठीक है। और नेक्स्ट इस अगर आप सबसे नीचे वाला श्लोक देखेंगे, इसमें है रसायन तंत्रम नाम वय स्थापनम आयुर्मेधा बल करम, ठीक है। तो वय स्थापनम आयुर्मेधा बल करम, ये आचार्य सुश्रुत ने दी है रसायन की परिभाषा, ठीक है। लेकिन आचार्य चरक ने क्या दी है, लाभोपायो ही शस्तानाम रस आदि नाम रसायनम, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि जो वाजीकरण है, वाजीकरण की परिभाषा क्या है। वाजीकरण में आपको ये श्लोक रखकर पूछ सकते हैं कि अल्प दुष्ट क्षीण
विशुष्क रेतस आम्य आपनायन, मतलब कि अल्प दुष्ट क्षीण और शुष्क वीर्य वाले मनुष्य के वीर्य की पुष्टि शोधन और वृद्धि और उत्पत्ति तथा स्वस्थ लोगों में जो मैथुन के समय हर्ष बढ़ाने के लिए जो वर्णन किया जाता है उसे वाजीकरण तंत्र कहते हैं। तो आपको ये स्मॉल स्मॉल पार्ट जो है ये नज़र में रखने हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स रखकर भी पूछ सकते हैं, डैश नाम अल्प दुष्ट शीर विशुष्क रेतस आम्य आपनायन प्रसादो उपचय जननम मित्तम प्रहर्षणम जननार्थ, ठीक है। तो इस तरह से भी रखकर पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट आइए देखते हैं आयुर्वेद के प्रयोजन के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे आयुर्वेद के प्रयोजन के बारे में, चरक संहिता के प्रयोजन के बारे में, उसका कहाँ रेफरेंस दिया है और आयुर्वेद की डेफिनेशन के बारे में, कहाँ पे कितनी डेफिनेशंस आचार्य चरक ने दी हैं और कितनी डेफिनेशंस आचार्य सुश्रुत ने दी हैं, ठीक है। बहुत ही सिंप्लीफाई मैं करके आपको ये बताऊंगी, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार सुन लिया तो आपको हमेशा वो याद रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले आयुर्वेद का जो प्रयोजन है वो आचार्य सुश्रुत ने सूत्र 1 में बताया है एंड आचार्य चरक ने सूत्र 30 में बताया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सुषु जी ने स्टार्टिंग में ही बता दिया एंड चरक जी ने लास्ट में जाके बताया। सुषु जी ने क्या बताया कि व्याधि उपसृष्टा नाम व्याधि परिमोक्ष स्वस्थस्य रक्षणाश्च, मतलब कि व्याधि का शमन करना और स्वास्थ्य की रक्षा करना। जबकि आचार्य चरक ने आयुर्वेद का प्रयोजन क्या बताया है, प्रयोजन चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, ठीक है। आचार्य सुषु जी ने व्याधि को पहले रखा, आचार्य चरक जी ने स्वास्थ्य को पहले रखा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, व्याधि उपसृष्टा नाम व्याधि परिमोक्ष स्वास्थ्य से रक्षणम, जबकि आचार्य चरक कहते हैं प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, ठीक है। ये तो हो गया आयुर्वेद का प्रयोजन, लेकिन एक और श्लोक है जो कि बहुत कॉमन है और आपको बहुत अच्छे से याद है, वो क्या है, धातु साम्यक क्रिया स्प्रोक्ता, ठीक है, तंत्रस्य आस्य प्रयोजनम, ठीक है, धातु साम्यक क्रिया स्प्रोक्ता तंत्रस्य आस्य प्रयोजनम। ये चरक संहिता का मान लीजिए या फिर अग्नि तंत्र अग्निवेश तंत्र का, मतलब या चरक संहिता का भी प्रयोजन है, अग्निवेश तंत्र का भी यही प्रयोजन है, ठीक है। तो ये फ़र्क है। इसके बाद हम आएंगे आयुर्वेद की डेफिनेशन के बारे में। आयुर्वेद की जो डेफिनेशन है आचार्य सुषु जी ने सूत्र 1 में दी है, आचार्य चरक जी ने सूत्र 30 में 2 डेफिनेशंस दी हैं एंड सूत्र 1 में 1 डेफिनेशन दी है। आइए देखते हैं क्या है। देखिए, आचार्य सुषु जी ने जो डेफिनेशन दी है वो क्या है, आयुरस्मिन विद्यते अनेन व आयुर्विदन्ति आयुर्वेद, जिसमें आयु की हितकर के बारे में, लंबी आयु कैसे प्राप्त करनी है इसके उपदेश के बारे में बताया हो, उसको आयुर्वेद कहते हैं। ये है सुषु जी की सूत्र 1 की डेफिनेशन, आयुरस्मि विद्यते अनेन व आयुर्विदन्ति आयुर्वेद, ये श्लोक नंबर 23 में आप पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद है कि जो चरक जी ने जो डेफिनेशन दी है सूत्र 30 में वो इस तरह है, आयुर्वेदित्य आयुर्वेद, ठीक है। और उन्होंने एक और डेफिनेशन दी है सूत्र 30 में, वो ये है, यतश्च आयुष्याणे न आयुष्याणि च द्रव्य गुण कर्माणि वेद्यते तो आयुर्वेद, ठीक है। आप विमर्श में देखेंगे दोनों डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगे, आप अपने सामने बुक रखिए जिससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो सुषुद्ध जी ने जो डेफिनेशन दी है वो है आयुरस्मि विद्यते अनेन व आयुर्विदन्ति आयुर्वेद, और चरक जी ने आयुर्वेदित्य आयुर्वेदा, और दूसरी है यतश्च आयुष्याणे न आयुष्याणि च द्रव्य गुण कर्माणि वेदत्यो आयुर्वेद, ठीक है। ये तो होगी दो डेफिनेशंस सूत्र 30 में, लेकिन चरक जी ने सूत्र 1 में कौन सी डेफिनेशन दी है, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानच तच्च यद्रोक्तम स उच्चैते, ठीक है। और इसी चैप्टर में सूत्र 1 में उन्होंने जो एक और श्लोक बताया है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग धारी जीवितम, मतलब कि शरीर इंद्रिय सत्व मतलब मन, इनके संयोग से जो है जीवन जो है लाइफ एग्जिस्ट होती है, ठीक है। नित्यक आयुश्च बंधश्च प्राय उच्यते, ये जो नित्यक है इसके अलावा नित्यक है अनुबंध है, ये आयु के पर्याय हैं। तो ये आयु की डेफिनेशन दी है, ठीक है। तो इसको कन्फ्यूज़ नहीं करना, जो हिता हितम है ये
आयुर्वेद की डेफिनेशन है, जबकि शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग धारी जीवितम ये आयु की डेफिनेशन है। एंड एक और डेफिनेशन है जो आचार्य भाव प्रकाश ने दी है, वो इस तरह से है, आयुर्हिता हितम, ठीक है, व्याधि और निदानम शमनम तथा, ठीक है, आयु के हित अहित के बारे में और व्याधि के निदान को शमन के बारे में जहाँ उपदेश दिया हो उसको आयुर्वेद कहते हैं, ये भाव प्रकाश ने दी है। ओके, अब इसी चैप्टर में नेक्स्ट आ जाता है इन ब्रीफ डिस्कशन की प्रमाण क्या है। देखिए प्रमाण कितने हैं, प्रमाण चार हैं, आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एंड आगम प्रमाण, ठीक है। और आचार्य चरक ने तीन प्रमाण भी बताए हैं, चार प्रमाण भी बताए हैं। उन्होंने प्रत्यक्ष अनुमान तो सेम बताया है सुश्रुत जी वाला, और आगम उपमान की जगह अनुमान और युक्ति बताया है। एक बात याद रखिए कि जो युक्ति प्रमाण है वो केवल चरक जी ने बताया है और किसी आचार्य ने नहीं बताया, ठीक है। सुश्रुत जी के चार प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान आगम उपमान, चरक जी के चार प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान आपदेश युक्ति। ओके, और चरक जी ने चार प्रमाण बताए हैं जो मैंने आपको भी बताए, और तीन प्रमाण जो बताए हैं वो युक्ति को अगर आप हटा देंगे तो वो तीन प्रमाण कौन से हो जाते हैं, आपदेश प्रत्यक्ष अनुमान, ठीक है। लेकिन अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि प्रमाण कितने हैं तो आपने फर्स्ट जो है चॉइस चार ही लगानी है, ठीक है। और ये जो तीन प्रमाण हैं युक्ति को हटाकर, प्रत्यक्ष अनुमान एंड आपदेश, ये त्रिविध रोग विशेष विज्ञान में भी काम आते हैं, रोगों का डायग्नोज करने में, उनका ज्ञान जो करने में तीन प्रमाण जो हैं ये माने गए हैं। एंड इसके अलावा आप देखेंगे कि जो अश्विनी कुमार का थोड़ा सा इसमें डिस्क्रिप्शन आ जाता है कि उन्होंने क्या क्या काम की, यज्ञ का जो सिर जोड़ा ये सब, लेकिन जो मेन बात याद रखने वाली है वो है देव भिष्जो। देव भिष्जो किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, देव भिष्जो अश्विनी कुमार को कहा जाता है। एंड शल्य जो है इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्यों है, तीन कारण, एक तो है आशुक्रिया, ठीक है, अगर कोई लिम्फ नोड हो बॉडी में, हम उसको दवाई देते हैं, ठीक है, शमन चिकित्सा करते हैं, काय चिकित्सा करते हैं, तो उसका लिम्फ नोड धीरे धीरे महीनों में जाके उसका साइज़ कम होता है। लेकिन शल्य चिकित्सक क्या करता है, उसको कट लगाता है, ओपन करता है और उसका एक्सीजन कर देता है नोड का, और विद इन फ्यू डेज उसको रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए, और इसीलिए इसको आशुक्रिया कारणात कहा जाता है, ठीक है। सेकंड रीज़न इज़ कि यंत्र, शस्त्र, शार, अग्नि, प्राणिधान, इन पे चिकित्सा करने के लिए यंत्र का, शस्त्र का, शार का, अग्नि का प्रयोग किया जाता है। एंड थर्ड इज़ सर्वतंत्र सामान्याच, ये सभी अंगों में इसको बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई है, आशुक्रिया कारणात, यंत्र, शस्त्र, शार, अग्नि, प्राणिधान एंड सर्वतंत्र सामान्याच, ठीक है। ये तीन कारण हैं जिससे जो शल्य है, शल्य तंत्र जो है इसको अधिक माननीय माना गया है। एंड नेक्स्ट इसकी देखिए, आयुर्वेद को सबने शाश्वत कहा है, पुण्य देने वाला कहा है, आयु को बढ़ाने वाला कहा है, स्वर्गदायक कहा है, कल्याणकारक कहा है, लेकिन आयुर्वेद को वृत्तिकर किसने कहा है, वृत्तिकर का मतलब क्या होता है, वृत्तिकर का मतलब होता है जिससे अर्निंग हो, ठीक है। तो वृत्तिकर आयुर्वेद को जो है आचार्य सुश्रुत जी ने कहा है, ये याद रखिएगा, ठीक है, वृत्तिकरश्चेती, वृत्तिकर, ठीक है। और अगर मैं अभी अब बात कर रही थी कि शल्य जो तंत्र है प्रधान है, इसके रिगार्डिंग आचार्य चरक जी ने भी, अगर मेरा आपने एपिसोड देखा होगा चरक चिकित्सा का 26 चैप्टर, उसमें भी उन्होंने कहा है कि अत्र धन्वंतरिया नाम अधिकार क्रिया विधो पर अधिकार ना तो विस्तृति, कहने का मतलब है कि दूसरे के अधिकार में अधिक बोलना नहीं चाहिए, मतलब कि अगर कोई केस है जो कि सर्जरी को रेफर करने वाला है तो उसमें आपको शमन चिकित्सा का प्रयोग नहीं करना है, अगर वो सर्जिकली इंटरवेंशन से ठीक होता है तो उसको सर्जन को रेफर करना चाहिए, ठीक है, दूसरे के अधिकार में नहीं बोलना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने शल्य तंत्र को भी माननीय बहुत ज़्यादा माना है। एंड नेक्स्ट इसकी आयुर्वेद का जो अवतरण है वो क्या है, देखिए सीक्वेंस वही है, ब्रह्मा जी ने जो आयुर्वेद का ज्ञान है वो प्रजापति दक्ष को दिया, दक्ष जी ने इसका ज्ञान जो है अश्विनी कुमारों को दिया, अश्विनी कुमारों ने इसका ज्ञान जो है इंद्र को दिया, और इंद्र ने इसका ज्ञान जो है धन्वंतरी जी को दिया सुश्रुत संहिता के अकॉर्डिंग, एंड भारद्वाज को दिया चरक संहिता के अकॉर्डिंग, वो भी चरक सूत्र 1 में आपको भारद्वाज जी को ये ज्ञान ट्रांसफ़र हुआ था ये मिलेगा, लेकिन चरक सूत्र 30 में जो आयुर्वेद का अवतरण है उसमें भारद्वाज का नाम नहीं आता, ये याद रखिए। कंपैरेटिव स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को लेकर क्वेश्चंस आते हैं।
एंड एक चीज़ और है कि जो देवताओं की वृद्धावस्था को, रोगों को, मृत्यु को, इन सबको दूर करने के लिए जो काशीराज देवोदास धन्वंतरी जी कहते हैं कि मैं आयुर्वेद के 8 अंगों के साथ शल्य तंत्र का ज्ञान देने के लिए अवतरित हुआ हूँ, तो इसमें लिखा है कि आदि देव धन्वंतरी, ठीक है, तो इसमें जो काशीराज देवोदास धन्वंतरी हैं उनको आदि देव कहा है, मतलब गॉड ऑफ आयुर्वेदा, जबकि आयुर्वेद के आद्य उपदेष्टा जो है वो ब्रह्मा जी हैं। और अगर आप देखें कि रस शास्त्र के जो आद्य उपदेष्टा है वो भगवान शिव को माना है, ठीक है। और चलिए इसमें नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जो आचार्य सुश्रुत ने बताया है पुरुष के बारे में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पुरुष की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से, अस्मिन आस्त्रे पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इत्युच्यते, मतलब कि पंच महाभूत और शरीर का जो संयोग होता है, समवाय होता है, उसको पुरुष कहते हैं। अगर इसमें से अस्मिन आस्त्रे हटा दिया जाए, केवल यही बोला जाए कि पंच महाभूत शरीर समवाय पुरुष इत्युच्यते, तो यह सुषुप्त शरीर वन की डेफिनेशन बन जाती है, जहाँ पे पुरुष की डेफिनेशन दी है, ठीक है। और इसके बाद बताया है कि जो लोक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सौम्य एंड आग्ने, स्थावर एंड जांगम, एंड चतुर्विध भूतग्राम होते हैं, चतुर्विध भूतग्राम होते हैं, संस्वेद, जरायुज, अंडज एंड औद्विज, ठीक है। ये 4 भूतग्राम होते हैं जिसमें 4 प्रकार के प्राणी आते हैं, जरायुज, अंडज, औद्विज एंड स्वेदज। एंड इसके अलावा बताया गया है कि पुरुष ही प्रधान है, पुरुष ही अधिष्ठान है, बस आपने इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट इसकी व्याधि के बारे में, व्याधि की क्या डेफिनेशन है, कोई भी चीज़ जिसके संयोग से दुख हो उसको व्याधि कहते हैं, तद दुख संयोग व्याधि उच्यन्ते, ठीक है, दुख संयोग व्याधि उच्यन्ते। और व्याधि 4 प्रकार की होती है, आगंतुक है, शारीरिक है, मानसिक है और स्वाभाविक है। स्वाभाविक व्याधि वो होती है जो पैथोलॉजिकल नहीं होती है, जो फिजियोलॉजिकल होती है। आचार्य चरक ने 2 स्वाभाविक व्याधियाँ बताई हैं, जरा और मृत्यु, ठीक है, जो स्वाभाविक रूप से जो है वृद्धावस्था आती है, मृत्यु आती है। एंड आचार्य सुश्रुत ने 5 प्रकार की स्वाभाविक व्याधियाँ बताई हैं, भूख, प्यास, वृद्धावस्था, मृत्यु और निद्रा, ठीक है। तो सुश्रुत जी ने 5 एंड चरक जी ने 2 स्वाभाविक व्याधियाँ बताई हैं, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें नेक्स्ट है कि जो आगंतुक है वो आपको पता है ट्रॉमा से जो व्याधि उत्पन्न होती है, ठीक है। और मानसिक जो सुख दुख, इच्छा द्वेष, क्रोध, शोक, भय, इसमें सुख नहीं आएगा, सॉरी, भय, शोक, क्रोध, हर्ष, विषाद, इन सबसे जो है व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं, दैट इज़ मानसिक व्याधि। और जो शारीरिक व्याधि होती है उसमें आचार्य सुश्रुत जी ने डाइट को, आहार को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। इसमें आ जाता है कि शरीर आस्त्व अन्न पान मूला, मतलब कि जो अधिक आहार से या कम आहार से या मिथ्या आहार से जो वात पित्त कफ एंड शोणित में, मतलब रक्त दोष में उन्होंने मेंशन किया है, वात पित्त कफ शोणित या फिर इनके समवाय से, संयोग से जो सन्निपातिक रोग उत्पन्न होते हैं, दैट इज कॉल्ड शारीरिक रोग, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है कि ये जो सारे तरीके के रोग होते हैं इनका निग्रह कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार से होता है, इनका निवारण जो है 4 प्रकार से होता है, संशोधन, संशमन और आहार एंड आचार, मतलब आहार विहार हम यूजली कहते हैं, उन्होंने विहार की जगह आचार कह दिया, ठीक है। तो निग्रह हेतु कितने हुए, 4, इस पर भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, संशोधन, संशमन, आहार एंड आचार। नेक्स्ट इसकी जो फिर दोबारा से उन्होंने एक श्लोक है, इसका रेफरेंस पूछ लिया जाता है, श्लोक नंबर 36, इसमें भी उन्होंने आहार की इम्पोर्टेंस बताते हुए ये कहा है कि प्राणियों का जो पूर्ण मूल है वो आहार है, ठीक है, जो मूल है जीवन की रक्षा करता है वो आहार है, ओज को बल की रक्षा करता है, ये भी उन्होंने आहार बताया है। और इसमें आहार जो है उन्होंने 6 रसात्मक बताया है, ठीक है, और 6 रस आश्रय होता है आहार, ठीक है, एंड जो रस होता है वो द्रव्य के आश्रय होता है, और जो औषधियाँ होती हैं उनको द्रव्य कहा जाता है। तो आहार जो है जीवन का मूल है, रक्षक है, ओज और बल का रक्षक है। आहार 6 रसात्मक होता है, 6 रसों से युक्त होता है, आहार रस के आश्रित होता है, रस द्रव्य के आश्रित होते हैं, क्योंकि द्रव्य जो होते हैं उसमें रस पाया जाता है, ठीक है, रस द्रव्य में स्टे करता है,
और इसके अलावा जो औषधियाँ होती हैं उनको द्रव्य कहा गया है। अब जो औषधियाँ होती है वो दो प्रकार की होती हैं। अब इस पर थोड़ा सा उन्होंने डिटेल बताया है। देखिए, दो प्रकार की औषधियाँ कौन सी होती हैं, स्थावर एंड जंगम। ठीक है, स्थावर औषधियाँ होती हैं आचार्य सुश्रुत ने चार प्रकार की बताई है, वनस्पति, वृक्ष, विरुद्ध एंड औषध। विरुद्ध वनस्पति क्या होती है, अपुष्पा। ठीक है, अपने सिर्फ इतना याद रखना है, अपुष्पा मतलब कि जिस पे कोई फूल नहीं आता, पुष्प नहीं आता, फल आता है, वनस्पति अपुष्पा। वृक्ष जिसमें फल फूल सब आता है। विरुद्ध जो लताएं होती हैं, फैलने वाली होती हैं। एंड औषध, फल पाक अंता, मतलब कि फल के आने के बाद ही उसका अंत हो जाता है, उसको दोबारा से उगाना पड़ता है, जैसे कि गेहूँ। ठीक है, वनस्पति, वृक्ष, विरुद्ध, औषध। आचार्य चरक ने भी सेम ही बताया है, बट थोड़ा सा नाम अलग है। उन्होंने वनस्पति को वनस्पति कह दिया है, दैट इज़ अपुष्पा। वृक्ष को उन्होंने वानस्पत्य बोल दिया है, थोड़ा अ लंबा हो गया, वानस्पत्य। ठीक है, जिसमें फल और फूल दोनों आता है, बाकी विरुद्ध एंड औषध उनका सेम है। और इसमें अगर भाव प्रकाश जी का देखें तो सॉरी भेल संहिता में देखें तो उन्होंने भी सेम बताया है, बट नाम अलग है। उन्होंने पहला जो है तृण बताया है, देन लता, वृक्ष, वनस्पति। मतलब उन्होंने सुषु जी वाला वनस्पति बताया है, देन वृक्ष बताया है, वनस्पति मतलब अपुष्पा, वृक्ष मतलब फल और फूल दोनों हो, देन उन्होंने वृद्ध को लता माना है और तृण को औषध माना है। ठीक है, लता एंड तृण, ये नाम अलग है उनके। एंड स्थावर जो द्रव्य होते हैं, इसको आपने इनकी काउंटिंग याद रखने के लिए आपने इस तरह से इनको याद रखना है, स्थावर, पार्थिव, जंगम। ठीक है, SPJ 874। स्थावर होते हैं 8, पार्थिव होते हैं 7 एंड जंगम होते हैं 4। आचार्य चरक जी ने जंगम, औद्भिद एंड पार्थिव, ठीक है, JOP 19, 18, 15 इस तरह से बताए हैं। JOP जंगम, औद्भिद एंड पार्थिव, एंड स्थावर, पार्थिव, जंगम। सुषु, कन्फ्यूज नहीं होना, सुषु जी का SPJ याद रखिए 874, चरक जी का JOP याद रखिए 18, 19, 15। ठीक है, और चार प्रकार के जो जंगम होते हैं वो कौन से होते हैं, जरायुज, जैसे कि मनुष्य हो गया, और व्याल हो गया, पशु हो गया, अंडज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, जरायुज जो जरायुज तो मनुष्य वगैरह हो गए, अंडज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, स्वेदज जो स्वेद से उत्पन्न होते हैं, एंड औद्भिज जैसे कि इंद्रकूप है, मेढक है। ठीक है, एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे स्थावर, जंगम, पार्थिव और कारकृत, चतुर्विध वर्ग के बारे में। नेक्स्ट, इसकी जो चतुर्विध वर्ग हैं वो कौन से हैं, देखिए चतुर्भूतग्राम कौन से हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज एंड औद्भिज। एंड चतुर्विध वर्ग कौन से हैं, स्थावर, जंगम, पार्थिव एंड कालकृत। ठीक है, एंड इसके बाद है, अगर आप देखेंगे कि मानस रोगों की जो चिकित्सा है वो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग टाइप से बताई है, बात सेम कही है लेकिन श्लोक में शब्द की थोड़ी सी हेरा फेरी है। जैसे कि आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि शब्द अरिष्टो वर्ग सुखावय, मतलब कि सुख व शांतिपूर्वक शब्द का यूज़ करके हम मानस रोगों की चिकित्सा कर सकते हैं, शब्दारिष्टो वर्ग सुखाव है। वहीं पर आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 1 में कहा है कि मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य धृति समाधि, मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य धृति समाधि। अगर हम इसमें समाधि की जगह वीर्य कर दें, मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य धृति वीर्य, तो ये काश्यप जी के द्वारा दी गई डेफिनेशन हो जाएगी। और चरक सूत्र 11 में क्या कहा है, मानसम प्रति भैषज्यम त्रिवर्ग आस्यान वेक्षणम, मतलब कि जो त्रिवर्ग होते हैं धर्म, अर्थ, काम, इनमें बैलेंस मेंटेन करना मानस रोगों की चिकित्सा है, मन को, माइंड को हमारे जो है बैलेंस्ड वे में रखने का एक तरीका है, मानसम प्रति भैषज्यम त्रिवर्ग आस्यान वेक्षणम। और आचार्य वाग्भट जी ने अष्टांग हृदय में क्या कहा है, धी धैर्य आत्म आदि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम। ठीक है, धी धैर्य आत्मा आदि विज्ञान, ये मन की दोष की औषध जो है परम मानी है। तो आप थोड़ा सा इसको इस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं कि शब्द की जहाँ बात की गई है वो आचार्य सुश्रुत जी हैं, शब्दारिष्टो वर्ग सुखावे, और जहाँ पर त्रिवर्ग की बात कही गई है वो आचार्य चरक जी सूत्र 11 में, जहाँ पर मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य धृति समाधि ये सूत्र 1 में है, चरक सूत्र 1, और समाधि की जगह वीर्य अगर लग जाए तो काश्यप जी,
एंड इसके अलावा जो औषध परम की बात की गई है कि धी धैर्य आत्मा का ज्ञान, ये मन दोष की परम औषध है, ये अष्टांग हृदय, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसकी जो चिकित्सा शास्त्र का जो बीज है वो संक्षेप में क्या है, वो है पुरुष, व्याधि, औषध और क्रियाकाल। पुरुष के बारे में हमने पढ़ा, व्याधि के बारे में पढ़ा, औषध के बारे में भी पढ़ा, ठीक है, और क्रियाकाल के बारे में भी हमने थोड़ा सा पढ़ा। एंड नेक्स्ट इसकी जो लास्ट में आता है वो यही है कि सुश्रुत संहिता में 120 अध्याय हैं, एंड ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। स्थान इसमें 5 है। 5 स्थान कौन से हैं? सूत्र, निदान, शरीर चिकित्सा एंड कल्प। और बाद में जो उत्तर तंत्र है 66 चैप्टर्स, वो नागार्जुन जी ने जोड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर जो है फिनिश होता है। तो दोस्तों, ये हमारा एपिसोड कैसा लगा? पूरी तमाम कोशिश करी गई है कि आपको अच्छे से पढ़ाया जाए एंड एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर किया जाए, विमर्श सहित श्लोक को भी समझाया जाए ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपने भी आइडियाज़ दे सकते हैं कि आपको और क्या चाहिए वीडियो में, हम वो भी ऐड करेंगे और इस तरह से हम सुश्रुत संहिता धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे बहुत ही कम टाइम में। बने रहिए हमारे एपिसोड के साथ, हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए ताकि हमारे जो वीडियो के नोटिफिकेशंस जो हैं आपको सबसे पहले मिले। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बनाया है जिसमें हम चैप्टर वाइज पूरे सिलेबस का डेली जो है 4 की पॉइंट्स उस व्हाट्सएप ग्रुप में देने वाले हैं ताकि आपको चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर में क्या क्या की पॉइंट्स हैं वो लर्न हो एंड सिलेबस के अंत तक, जहां आप पूरा सिलेबस याद करने के चक्कर में की पॉइंट्स जो हैं भूल जाते हैं, वो आपको ना भूलें। आपके पास एक पूरी लिस्ट बन जाएगी धीरे धीरे व्हाट्सएप पर पूरे की पॉइंट्स की, जो कि आप सिलेबस के बाद केवल कुछ ही घंटों में, 5-6 घंटों में एग्ज़ाम से पहले वो सारे की पॉइंट्स मेमोराइज्ड कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है व्हाट्सएप ग्रुप तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। केवल 50 रुपये है उसकी फ़ीस, एक मंथ की मंथली फ़ीस होगी उसकी 50 रुपये, यानी कि 5.6 पैसा से भी कम पे आपको पड़ेगा डेली में। तो दोस्तों, ज्वाइन करिए एंड धन्यवाद।